दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाले में बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की थी। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें संजय सिंह का भी नाम था। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार सुबह से ही संजय सिंह की आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आई उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हो गए। संजय सिंह को ईडी के दफ्तर ले जाया गया। कहा जा रहा है कि आज की रात वो ईडी के लॉकअप में रहेंगे। मेडिकल कराए जाने के बाद उन्हें गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में बुधवार सुबह आपके राज्यसभा सांसद के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए। ईडी ने इस मामले में पहले उनके स्टाफ के सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आप ने इस आरोप का खंडन किया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की सिफारिश करने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित कदम है। बीजेपी अगले साल होने वाले चुनावों में हार रही है, इसके चलते वो डर गई है। ये कदम बौखलाहट में उठाया गया है। ये करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथा कथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडे करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडे करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईआरएस सांसद श्रीनिवास सुलू रेड्डी के बेटे राघव मुंगटा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।